हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन अवर यूट्यूब चैनल हाईवे इंजीनियरिंग। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट की क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं, उसी प्रकार से हमें उसकी क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट भी करना होता है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या होती है, कैसे इसको परफॉर्म किया जाता है लेबोरेटरी में, कैसे इसकी डाटा शीट प्रिपेयर की जाती है, और भी ऐसी कुछ कंसेप्ट जो कि आपको मालूम होना चाहिए जब भी आप इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, ये सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डियर फ्रेंड, पूरी तरीके से कंप्लीट वीडियो ये आपके साथ रहेगी। कोई भी छोटे मोटे डाउट, आपके सारे के सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर दिया है, या कमेंट बॉक्स में भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, प्रैक्टिकल और आपके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या होती है, पहले हम थोड़ा थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे, फिर प्रैक्टिकल करेंगे और फिर इसकी डाटा शीट प्रिपेयर करेंगे। तो डियर फ्रेंड, फ्लेक्सुरल टेस्ट इवेल्युएट द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इनडायरेक्टली। इट्स टेस्ट द एबिलिटी ऑफ अनरेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट बीम और स्लैब टू विथस्टैंड फेल्योर इन बेंडिंग। द रिजल्ट ऑफ फ्लेक्सुरल टेस्ट ऑन कॉन्क्रीट एक्सप्रेस्ड एज ए मॉडुलस ऑफ रप्चर which denotes as MR in modulus or rupture, MR का full form है, in megapascal or newton per mm square। Dear friend, जो flexural strength है generally वहाँ पर ज़्यादा मायने रखती है जहाँ पर हमारी cement concrete की payment ले की जा रही है। generally अगर हम कोई slab डाल रहे हैं, चाहे वो हमारी building की slab हो या bridge की slab हो, तो हम जानते हैं कि हमारी जो concrete है वो compression में तो काफ़ी अधिक strong है, पर जब उसमें tension आती है तो टेंशन में वो काफ़ी वीक होती है। इसके लिए हम उसमें क्या करते हैं, स्टील प्रोवाइड कर देते हैं। बट जो हमारी सीमेंट कंक्रीट की रोड होती है वहाँ पर तो हम स्टील कोई प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो जब उसमें स्टील प्रोवाइड नहीं किया है तो ऑब्वियसली उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत कम हो जाएगी। तो इसी टेंसाइल स्ट्रेंथ को इवेल्युएट करने के लिए हम उसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। डियर फ्रेंड, इसको परफॉर्म करने के लिए इस प्रकार से कंक्रीट के बीम बनाए जाते हैं, ये भी डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के होते हैं जो मैं आपको आगे इस वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। और हमारी जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है इसको हम मॉडुलस ऑफ रप्चर भी बोलते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं मेगापास्कल या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। डियर फ्रेंड, तो चलिए इस वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है टेस्ट रिजल्ट्स की कि भाई जब भी हम इसमें टेस्ट करेंगे तो कुछ हमें उसमें फार्मूले मालूम करना होते हैं, कुछ हमें डायमेंशंस, कुछ हमें डिटर्मिनेशन करनी होती, तो वो किस प्रकार से करते हैं, तो उसमें हम चर्चा करेंगे। डियर फ्रेंड, द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ द स्पेसिमेन सेल बी एक्सप्रेस्ड एज ए मॉडुलस ऑफ रप्चर, उसे हम डिनोट कर देंगे एफ सी आर से, एंड सेल बी कैलकुलेट टू इन केस ऑफ फेलुअर टाइप ए और ए इज ग्रेटर देन 200 mm। इसके बारे में और आगे डिटेल से डिस्कशन करूँगा। अगर हम समझें कि मॉडुलस ऑफ रैप्चर, इस मॉडुलस ऑफ रैप्चर या फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पर दो फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला होता है अगर हमारा फेलुअर टाइप ए है और जो स्मॉल ए है अगर ग्रेटर देन 200 mm है, तो हमारा जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होगा वो इक्वल टू हो जाएगा पी इंटू एल डिवाइडेड बाई बी इंटू डी स्क्वायर। ये क्या होते हैं, सारा का सारा आगे वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। और अगर हमारा जो फेलुअर टाइप बी है, ठीक है, और जो स्मॉल है, स्मॉल ए है, वो है हमारा 170 से लेकर 200 mm के बीच में, तो मॉडुलस ऑफ रैप्चर को हम डिनोट करेंगे एफ सी आर इक्वल टू 3 पी इंटू ए डिवाइडेड बाय बी इंटू डी स्क्वायर। और इसमें जो भी हम वैल्यूज लेंगे डियर फ्रेंड, वो 0.05 मेगापास्कल तक हमें इसमें नोट करनी है। और आगे वीडियो को जब आप देखेंगे आगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब जो मैंने फार्मूले बताए थे, वहाँ हमारा जो एफ सी आर है उसे हम बोल रहे हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इन मेगापास्कल या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। जो कैपिटल पी है हमारा वो है मैक्सिमम लोड इन न्यूटन, ठीक है, न्यूटन में आपको लोड लिखना है। जो भी आप बीम को
जब फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ मशीन में रखेंगे तो जिस लोड मैक्सिमम लोड पे वो ब्रेक हो जाएगा वो हमारा कहलाता है मैक्सिमम लोड, जिसे हम पी से डिनोट कर रहे हैं। स्मॉल ए क्या है? स्मॉल ये ए है हमारा इक्वल्स द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ फ्रैक्चर एंड द नियरर सपोर्ट मेजर्ड ऑन द सेंटर लाइन ऑफ द टेंसाइल साइड ऑफ द स्पेसिमेन इन AMM। ठीक है, जो हमारा बीम जहाँ पर हमारा फ्रैक्चर हो रहा है उस फ्रैक्चर का जो नियरेस्ट सपोर्ट से जो डिस्टेंस है वो हमारी स्मॉल ए कहलाएगी। वीडियो में आप अंत तक देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा आप वेट कीजिए, ये सब मैं आपको प्रॉपर समझा दूंगा। बी क्या है और कैपिटल डी क्या है? बी और कैपिटल बी और कैपिटल डी हमारे ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द बीम, या जो हमारी बीम है उसकी ब्रेथ ऑफ हाइट कितनी है, ब्रेथ एंड हाइट क्या है वो हमारी बी एंड डी है। और एल है हमारी, एल इज द लेंथ ऑफ स्पान ऑन विच द स्पेसिमेन इज सपोर्टेड एक्सप्रेस्ड इन MM। ये सब हमें MM में रखनी है। L है हमारी सपोर्टेड लेंथ, हमारी कैपिटल L है। और रेट ऑफ लोडिंग है हमारा 4 किलो न्यूटन पर मिनट 150 MM बीम के लिए, और 1.8 किलो न्यूटन पर मिनट है हमारी 100 MM बीम के लिए। चलिए अब एक वीडियो की हेल्प से मैं आपको क्लियर करता हूँ, ये सब आपको आगे और समझ में आ जाएगा। ओके डियर फ्रेंड, तो ये हमारी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट मशीन है और ये हमारा कंक्रीट का बीम है। कंक्रीट के बीम के साइज हम मान लेते हैं, जैसे ये मेरा जो बीम है ये है मेरा 70 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो हमारी कंक्रीट की बीम है इसको दोनों साइड से 5-5 सेंटीमीटर 5-5 सेंटीमीटर आपको क्या करना है, एक ऑफसेट छोड़ देना है, थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है, बोथ साइड आपको 5 सेंटीमीटर छोड़ के एक लाइन मार्क कर लेनी है। ठीक है, जहाँ पर आपके जो सपोर्टिंग रोलर्स हैं वो आएंगे। सपोर्टिंग रोलर्स क्या होते हैं मैं आपको आगे बताता हूँ। अब इसके बाद क्या किया आपने, देखिए ये जो आपकी आउटर साइड की जो लाइन्स हैं ये आपकी कॉर्नर से 5 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर दूरी पे आपने लगा ली हैं। फिर इन दोनों जो कॉर्नर्स की लाइन है इनसे आपको क्या करना है, एल बाई थ्री डिस्टेंस पे। एल बाई थ्री का मतलब क्या होगा, इस लाइन से लेकर जो आपकी कॉर्नर्स की लाइन है दोनों कॉर्नर की लाइन के बीच की जो दूरी है इसका आपको एल बाई थ्री करना है। तो हमारा जो सपोर्ट सपोज करते हैं कि ये जो हमारी बीम थी वो थी 70 सेंटीमीटर की। अब 5-5 सेंटीमीटर आपने 5 इस साइड छोड़ दिया और 5 इस साइड छोड़ दिया, अब बचा हमारा 60 सेंटीमीटर। तो आप एल बाई थ्री करेंगे जब तो हमारा 60 डिवाइडेड बाई थ्री हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो हमें करना क्या है, दोनों साइड की कॉर्नर्स की लाइन से हमें 20-20 सेंटीमीटर पर एक एक और लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये हमारी लाइन है वो हमारी 20-20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर मार्क हो जाती हैं, जिसे हम एल बाई थ्री मार्किंग भी बोलते हैं। जो हमारी आउटर साइड की लाइन्स हैं ये हमारी सपोर्टिंग रोलर्स के ऊपर आती हैं, जो हमारे और जो हमारी अंदर वाले जो लाइन्स हैं ये हमारी जो लोड अप्लाई करने वाले रोलर हैं उनके नीचे आ जाती हैं। ये लाइनिंग जो है आपको ये आपको चारों फेसेस पे करनी है। ये आपके टॉप फेस हो गए, ये आपके साइड फेस हो जाएंगे और बॉटम फेस, ये सब चारों तरफ आपको ये लाइन मार्किंग कर लेनी होती है। इसके बाद हम चलते हैं हमारी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन को देखते हैं। ये हमारी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन होती है। ये जो आप नीचे देख रहे हैं सपोर्टर, ये हमारे जो रोलर्स हैं ये हमारे सपोर्टिंग रोलर्स हैं और ये हमारे लोड अप्लाइड, जिसे हम लोड रोलर भी बोलते हैं। और ये हमारी जो डायल देख रहे हैं आपकी, ये हमारी कितना लोड अप्लाई हो रहा है उसको हम इससे देख सकते हैं। और ये हमारा कहलाता है जो हमारी लोड एप्लीकेशन के रेट है उसको एडजस्ट करने के लिए ये हमारा यहाँ पे वाल्व दिया हुआ होता है। चलिए और हम देख लेते हैं इस पर हम क्या करते हैं, हमारे बीम को ये हम सपोर्टिंग रोलर्स हैं जो हमने कॉर्नर से 5-5 सेंटीमीटर की लाइन बना रखी थी, उन लाइन्स को इन रोलर्स के ऊपर मैच करके हमारे बीम को रख देते हैं। और जो हमारे जो लोड रोलर हैं इनके ऊपर हमारे जो अंदर वाली लाइन है जो 20-20 सेंटीमीटर दूर हैं कॉर्नर वाली लाइन से, उनको रखते हैं मिलाकर। ठीक है, इस प्रकार से ये जो हमारा बीम है यहाँ पर फिट हो जाता है। ये
ये जो डायल देख रहे हैं आप, यहाँ पर हमारा लोड हम देख सकते हैं कि हमारा किलो न्यूटन में, ठीक है, हमारा जो एक डिवीजन है वो 0.5 किलो न्यूटन की है, तो हमारा कितना किलो न्यूटन लोड अप्लाई हो रहा है वो हम डायल पे देख सकते हैं। ये हमारा लोड एप्लीकेशन के रेट को एडजस्ट करने के लिए होता है कि भाई कितने एप्लीकेशन हमें देना है लोड का, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हमने बीम को लोड एप्लीकेशन की रेट जो होती है डियर फ्रेंड हमारे 15 सेंटीमीटर के लिए होती है 4 kN/min और 10 सेंटीमीटर बीम के लिए होती है 1.8 kN/min, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लोड एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया है, देखते हैं कि हमारा जो बीम है वो कितनी रीडिंग पर आकर ब्रेक हो जा रहा है, वो भी रीडिंग हमें यहाँ पर नोट कर लेनी होती है। जब ये ब्रेक हो जाएगा तो वो हमें मैक्सिमम लोड कितना हुआ है वो हमें नोट करना है, ठीक है। अब देखेंगे हमारे जो बीम है वो ब्रेक हो चुका है, फ्रैक्चर हो चुका है, और यहाँ पर रीडिंग लगभग आपकी आएगी 29 के अराउंड, क्योंकि एक डिवीजन आपका 0.5 है, तो टोटल डिवीजन गिन लीजिए और उसमें 0.5 से आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी जो टोटल नंबर टोटल लोड है वो आपका निकल के आ जाएगा। चाहे तो टोटल डिवीजन गिन लीजिए या फिर आपको कोई दूसरा तरीका है, जैसे 30 के नीचे कितने डिवीजन्स आ रहे हैं तो उतने डिवीजन आप कम कर देंगे तो आपका टोटल अप्लाई लोड निकल के आ जाता है। यहाँ पर एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि सर जो लोड एप्लीकेशन की रेट है ये आपको किस प्रकार से सेट करनी होगी। देखिए कुछ कुछ मशीन में क्या होता है कि ये जो आपका यहाँ पे वॉल्व दिया हुआ है, जो नॉब दी हुई है, नॉब आपकी डायरेक्ट आप 4 पे सेट कर दीजिए, 1.8 पे सेट कर दीजिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है इस मशीन में एरर आने के कारण इसके लोड एप्लीकेशन की रेट है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो तब आपको क्या करना है ऐसा कैलिब्रेशन करना होगा और कैलिब्रेशन करके देखना कि आप इस नॉब को कितने पर सेट करें कि आपका जो लोड एप्लीकेशन की रेट है वो 15 सेंटीमीटर बीम के लिए हो जाए 4 kN/min और 10 सेंटीमीटर बीम के लिए हो जाए 1.8 kN/min। इस प्रकार से आपको लोड एप्लीकेशन की रेट को एडजस्ट करना होगा, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारा जो बीम है वो फ्रैक्चर हो चुका है और इस पे से हमने हमारा लोड भी अप्लाइड लोड भी नोट कर लिया है। अब हमें करना क्या है, ये हमने जो बीम है इसको वापस से हम रख लेंगे और वापस से रखने के बाद हमें क्या करना, इसकी जो रिवर्स साइड है, रिवर्स साइड से मेरा मतलब है जो इस बीम की बॉटम साइड है, जो टेंशन साइड है बीम की, उस साइड से आपको रखना है। और जो मेजरमेंट है ये हमारी सेंटर लाइन है, एक आपने ये सेंटर लाइन मार्क कर ली है। इस सेंटर लाइन में क्या देखना आपको, जो भी आपका नियरेस्ट सपोर्टिंग लाइन है, ये आपकी सपोर्टर रोलर इस लाइन के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो इस लाइन से जो जो भी आपकी जो फ्रैक्चर है, ये आपका फ्रैक्चर हुआ है, इस सेंटर लाइन पे देखना है, इस सेंटर लाइन पे जो फ्रैक्चर है उस फ्रैक्चर की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितनी है, किसी भी सपोर्टिंग रोलर की लाइन से जो हमारी फ्रैक्चर की लाइन है वो आपको देखना है सेंटर में। ये भी बात आप ध्यान में रखिए, सेंटर में देखिए कि आपका जो सपोर्टिंग सपोर्टिंग रोलर से उस फ्रैक्चर लाइन की डिस्टेंस कितनी है वो आपको एक स्केल की हेल्प से मेजर कर लेनी, यही आपकी कहलाती है स्मॉल ए, जिसे मैंने आगे पिछले अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, वो हमारी कहलाती है स्मॉल ए। और पी हमारा होता है अप्लाइड लोड, जो कि हमने अभी कितना लिखा है यहाँ पर लगवाना 28 या जितना भी आए आपके बीम का जितना भी आप वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो पी हमारा आ गया लगभग 28 किलो न्यूटन और ए हमारा कितना आ जाएगा आपको यहाँ पर देख लेना है, 21 सेंटीमीटर आ जाए या 22 सेंटीमीटर या जितना भी आ जाए, आपको ये सब mm में रखना है, ठीक है। और जो हमारी देखो ये हमारी लेंथ हो जाएगी, ये टोटल लेंथ है हमारी 70 सेंटीमीटर, बट जो हमारी कैलकुलेटेड कैलकुलेशन में काम आएगी वो सिर्फ आएगी 60 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 सेंटीमीटर आपने यहाँ पर भी छोड़ दी है और 5 सेंटीमीटर आपने यहाँ पर भी छोड़ दी है। तो हमारी जो 60 सेंटीमीटर है वो हमारी L हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी हमारी 15 सेंटीमीटर और जो हमारी डेप्थ हो जाएगी, ये जो डेप्थ है ये भी हमारी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। और स्मॉल ए हमारा जो भी मेजरमेंट आपका आता है 211 mm, 215 mm, जो भी आ जाए वो आपको मेजर कर लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम कैलकुलेशन की साइड। अब एक बात आपको यहाँ पे क्या देखनी है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा और आप समझ लीजिए।
एक्सेप्टेंस ऑफ टेस्ट क्या करना है आपको देखना है, द फ्रैक्चर्ड स्पेसिमेन सेल बी एग्जामाइंड एंड द अपीयरेंस ऑफ द कॉन्क्रीट एंड टाइप ऑफ फ्रैक्चर सेल बी रिकॉर्डेड। फ्रैक्चर किस टाइप से हो रहा है वो आपको रिकॉर्ड करना है, फ्रैक्चर देखना है आपको। टाइप ए फ्रैक्चर है, टाइप ए फ्रैक्चर में क्या होगा, जो आपका बीम होगा बिल्कुल सेंटर से ब्रेक हो जाएगा, और टाइप बी में क्या होगा, जो आपको फ्रैक्चर होगा वो किसी भी नियरेस्ट सपोर्टिंग रोलर की साइड पे आपका बीम फ्रैक्चर होगा। तो इस प्रकार से आपको टाइप ऑफ पैटर्न भी देखना होते हैं, क्योंकि इसी से आपको आगे कैलकुलेशन में हेल्प मिलती है। अब क्या करना है, व्हेन ए इज लेस देन 170 mm फॉर 150 mm स्पेसिमेन एंड लेस देन 133 mm फॉर 100 mm स्पेसिमेन, दैट रिजल्ट ऑफ टेस्ट सेल बी डिस्कार्डेड। आपको कैलकुलेशन करना है, पर कैलकुलेशन कब करना है वो समझ लीजिए। अगर हमारी जो स्मॉल ए है, जो हमारी फ्रैक्चर्ड लेंथ है नियरेस्ट सपोर्ट से 15 cm स्पेसिमेन के लिए अगर 170 mm से कम है और 100 mm स्पेसिमेन के लिए 133 mm से कम है, तब आपको वो टेस्ट रिकॉर्ड में नहीं लेना, यानी कि आगे आपको फर्दर कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है। आपको कब कैलकुलेशन करना है, जब आपका 150 mm स्पेसिमेन के लिए जो स्मॉल ए है वो 170 mm से ज़्यादा हो और 10 cm स्पेसिमेन के लिए आपका 133 mm से ज़्यादा हो, तभी आपको फर्दर कैलकुलेशन करने होंगे। ठीक है, चलिए अब हम कैलकुलेशन की साइड पे चलते हैं। ठीक है, ये हमारी स्मॉल ए कहलाती है, जिसे हम फ्रैक्चर लाइन भी बोलते हैं। अब एक एक्सेल शीट आपको शेयर करता हूँ, ये एक्सेल शीट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, जहाँ से आप इस एक्सेल शीट को डाउनलोड कर लीजिएगा। कैलकुलेशन देखते हैं डियर फ्रेंड, इस प्रकार से एक डाटा शीट आपको प्रिपेयर करनी है, जो भी आपका डिपार्टमेंट है या कंपनी है वो नाम लिख लीजिएगा। यहाँ पर 7 कॉन्क्रीट फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ टेस्ट हमने लिख लिया है, नेम ऑफ रोड, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, टेस्ट रिपोर्ट का कोई नंबर हो या कोई आइडेंटिफिकेशन हो वो लिख लीजिए, डेट ऑफ टेस्ट लिख लीजिए। एक ज़रूरी बात, ये बीम आपको 7 दिन और 28 दिन में टेस्ट करना होते हैं, और मिनिमम 3 बीम का एवरेज आपको रिपोर्ट में रिकॉर्ड करना होता है, इसलिए 3 बीम आपको कम से कम चाहिए हैं 7 डेज के लिए, और 3 बीम चाहिए आपको 28 डेज के लिए। साइज ऑफ बीम क्या है हमारा, साइज है हमारा 700 mm बाय 150 mm बाय 150 mm, लेंथ 700 है, ब्रेथ तो उसकी 150 mm है और डेप्थ उसकी 150 mm है। वेट ऑफ बीम आपको जब भी आप इसमें रखेंगे ब्रेक करने के पहले, तो आपको उसका वेट भी नोट कर लेना है। तो वेट हमने लिख लिया, मान लीजिए 41,700 grams ये हमने लिख लिया। ठीक है, डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट हमने निकाल लेंगे, जो वेट है उसको डिवाइड कर देंगे हम वॉल्यूम से, तो हमारी डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट आ गई 2.65 ग्राम पर सीसी, जो कि हमारी 2500 जो हमारी पीक्यूसी है उसके लिए 2450 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 3 पे डिस्टेंस को थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं हम, डिस्टेंस बिटवीन फ्रैक्चर लाइन टू नियरेस्ट सपोर्ट, जो मैंने आपको बताया था अभी पीपीटी में, ये जो हमारी डिस्टेंस है स्मॉल ए, ये हमारा नियरेस्ट सपोर्टिंग लाइन है और ये हमारी फ्रैक्चर्ड है, इस फ्रैक्चर लाइन की लेंथ कितनी है, ठीक है, यही हमारी कहलाती है स्मॉल ए। तो हमने स्मॉल ए की जो mm में डिस्टेंस लिख ली वो लिख ली है 211 mm, और कितने लोड पे वो फ्रैक्चर हो गया था वो किलो न्यूटन में हमने लिख लिया है 28 किलो न्यूटन। ठीक है, चाहे तो आप इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लीजिए, लेकिन एक्सेल शीट में मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूले फिट कर दिए हैं, तो आप इसको किलो न्यूटन में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लिख दिया है 28 किलो न्यूटन। फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ कितनी निकल के आ गई हमारी 4.98 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब यहाँ पे फार्मूला कौन सा फिट किया है मैं आपको बता देता हूँ, फार्मूला हमने लिया है डियर फ्रेंड FCR इक्वल टू PL P into L upon B into D square, बिकॉज ऑफ जो हमारी फ्रैक्चर लाइन है वो हमारी फ्रैक्चर लाइन 200 mm से ज़्यादा है। कितनी है फ्रैक्चर लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे 211 mm, इसलिए हमने फार्मूला नंबर 1 यूज किया है P into L divided by B into D square। तो हमारी जो फ्लेक्चर स्ट्रेंथ निकल के आ गई वो हो गई 4.98 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इस प्रकार से आपको 3 बीम टेस्ट करना है और उनकी एवरेज वैल्यू को नोट कर लीजिएगा, और ये जो एक्सेप्टेबल फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ है
जनरली पीक्यूसी के लिए 4.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर से अधिक होती है। चाहे तो आप इसको फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका फार्मूला होता है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इक्वल टू 0.7 अंडर रूट एफसी के। इस फार्मूले से भी आप इसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप डियर फ्रेंड ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दी है, कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। चलता हूँ, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड गुड बाय।